अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करेंगे मैसेज फील्ड के बारे में। मैसेज फील्ड का क्या मतलब है, क्या प्रॉब्लम है, इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो मैं आपको तरीकेकार बताऊंगा। वीडियो को फुल वॉच करना होगा। बहुत ही कमाल की वीडियो है ये आपके लिए। अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम फेस होती है तो ये प्रॉब्लम आप एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है। तो जब आप चैट करते हैं तो चैट करने के दौरान आप बहुत ही ज़्यादा, कोई आपका ऐसा फ्रेंड होता है कि जिससे आप बहुत ही ज़्यादा चैट करते हैं, जब चैट करते हैं तो आपको ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो इसकी होती है एक मेमोरी, ठीक है ना, मेमोरी। अगर मेमोरी फुल हो जाए तो तब भी ये फील्ड प्रॉब्लम सामने शो करता है, या तो अगर लिमिट होती है, ठीक है, मैसेज की लिमिट होती है, ठीक है, जब लिमिट हो जाए तो ये तब फील्ड मैसेज शो करता है, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच करना, मैं आपको समझाने की फुल कोशिश करूँगा ताकि आप समझ पाएँ, और मैं आपको तरीक़ेकार बताऊँगा और इस तरीके को कैसे आपने ट्राई करना है और आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो आपके लिए बनाई गई है, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, ताकि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इसीलिए वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको यूट्यूब पर बहुत ही अलग अलग तरीके बताए होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँगा जिससे आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर दोस्तों हम अपने मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशनें डाउनलोड कर लेते हैं तो उन एप्लीकेशनों का जो असर है हमारे मोबाइल की रैम पर पड़ता है, जिससे हमारा मोबाइल स्लो हो जाता है और हैंग हो जाता है। अगर आप मैसेज चैट पर बहुत ही ज़्यादा बात करेंगे, 2 घंटे या पूरा दिन करते रहेंगे, तो तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो अगर आपका दोस्त आपको मैसेज करता है तो आपको वो मैसेज उसी टाइम पर नहीं मिलता, 10-15 मिनट लेट मिलता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है आप एक सेकंड में अपना सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं, अगर आप बहुत चैट करते हैं तो उसका असर गूगल सर्विस पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके मैसेज जो है ब्लॉक होने लग जाते हैं, आपके मैसेज फिल्ड होने लग जाते हैं, और जो दोस्त से चैट कर रहे होते हैं उसके मैसेज भी आपको रिसीव नहीं होते हैं कभी कभी, ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन को ऐसे आपने इसका जो है ना सेटिंग ओपन कर लेना होगा। अगर आप सेटिंग देखते हैं तो आप जहाँ से कोई भी आपको सोल्यूशन तरीका नहीं बताया जाएगा, जहाँ पे कोई भी तरीका नहीं बताया जाएगा कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं, जहाँ से कोई भी तरीका नहीं है, जहाँ पे आपने क्या करना है, इसके डेटा क्लियर पे जाना है। अगर आप इस एप्लीकेशन का डेटा क्लियर करेंगे, डेटा क्लियर करने का क्या फ़ायदा, इससे क्या हमें प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है कि नहीं। दोस्तों अगर आप इसका डेटा क्लियर करेंगे तो ये एप्लीकेशन एक नई एप्लीकेशन हो जाती है, जैसे एक नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें एप्लीकेशनें नई होती हैं, ऐसे ही ये नई एप्लीकेशन होगी, इसका डेटा क्लियर हो जाएगा तो ये ऐसे ही वर्क करेगी जैसे एक नए मोबाइल में वर्क करती है, ठीक है ना। आपको ये प्रॉब्लम जो आपको फेस होती है ये देखने को नहीं मिलेगी ना, ये आपने इसका डेटा क्लियर कर देंगे तो आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 100% मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। आपने ये डेटा ही क्लियर करना और कुछ नहीं करना, ठीक है, आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पे थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करना। अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।